हेलो वेलकम टू बीटी न्यूज, मैं हूं निशा वर्मा और आप देख रहे हैं बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। आंखों में बड़े सपने लेकर एक लड़की कोलकाता से मुंबई आती है। लाखों लोगों की तरह उसे भी बॉलीवुड में नाम कमाना है और वो लड़की थी शुभामित्रा सेन, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदलकर रिमी सेन रख लिया। उनको उनका पहला प्रोजेक्ट मिला आमिर खान के साथ। इस एड के बाद वो नोटिस में आने लगी। इसके बाद उन्होंने कुछ रीजनल फिल्म्स भी की। साल 2003 में उनको बॉलीवुड में पहला मौका मिला कदम रखने का। वो फिल्म थी हंगामा। उसमें काफी सारे फेमस एक्टर्स भी थे, परेश रावल, आफ्ताब और अक्षय खन्ना। वेल, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही और रिमी की किस्मत चमकने लगी। और उसी साल रिमी को मौका मिला लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का भी। बिल्कुल साफ दिख रहा था कि रिमी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रही थी। उसी साल उनको मौका मिला सलमान खान के ऑपोजिट काम करने का। 2004 में धूम, गरम मसाला और क्योंकि जैसी कई फिल्मों का भी हिस्सा बनी। इसके बाद उनकी लाइफ में आई एक सबसे बड़ी सुपरहिट। उनको मौका मिला रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में काम करने का। और वो फिल्म में थे अजय देवगन, जिसके ऑपोजिट वो काम करने वाली थी। वेल, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इसके बाद रिमी के करियर की नैया कहीं डूबने लगी और वो वजह थी रिमी का रेसिस्ट कमेंट। दरअसल रिमी ने गोलमाल के प्रमोशन में कहा था कि उनको इस फिल्म में एक स्वीट और ब्यूटीफुल लड़की का रोल मिला है। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म में चार हीरो होने के बावजूद भी वो एक अकेली हीरोइन है। रोहित शेट्टी एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, जो एक ब्लैक अफ्रीकन लड़की को भी बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखा सकते हैं। तो बस रिमी ने कर दी अपने करियर की यहाँ सबसे बड़ी गलती। और बस रिमी की इमेज खराब होने लगी, क्योंकि अफ्रीकन और ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद रिमी को फिल्मों में मौका मिलना थोड़ा कम हो गया। उनको फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन वो बहुत ही छोटे बजट की थी। उन्होंने दे ताली, संकट सिटी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। और आखिरी बार रिमी को देखा गया 2011 में बड़े पर्दे पर, और वो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड हो गई। 2015 में रिमी ने बिग बॉस 9 से वापस आने की कोशिश की, लेकिन वेल 50 दिन से ज्यादा वो बिल्कुल नहीं टिक पाई। तो साफ सी बात है कि इंडस्ट्री के लोगों ने रिमी को बिल्कुल ही भुला दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बिगेस्ट मिस्टेक में बिगेस्ट स्टार की बिगेस्ट मिस्टेक के साथ। तब तक देखते रहिए बीटी न्यूज।